जय लक्ष्मी माता। मित्रों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक विशेष जानकारी बता रहे हैं माता लक्ष्मी के संबंध में, कि देवी लक्ष्मी को आकर्षित करती है, आपके घर में आमंत्रित करती है इस प्रकार की व्यक्ति के अंदर जो आदतें होती है। अगर आप भी इन काम को करेंगे, इन आदतों को अपनाएंगे, तो देवी देवता बहुत ही जल्द प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं पहली आदत की, कि ऐसी कौन सी आदत है। दोस्तों, पहली आदत है सुबह शाम घर में पूजन के समय घर में घंटी बजानी चाहिए। ध्यान रखें कि घंटी की आवाज घर के हर कोने में पहुंचे। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी घर में अपना वास बनाती है। दोस्तों, घंटी हमेशा आपको चाहे छोटी लाए चाहे बड़ी लाए, कैसी भी लाए, लेकिन पीतल की घंटी ही आपको लानी चाहिए। पीतल की ध्वनि बहुत ही मधुर होती है और देवी देवताओं को बहुत ही जल्द आकर्षित करने वाली होती है, इसलिए आपको पीतल की घंटी को अपने घर में लाना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह घर के भीतर गोमूत्र का छिड़काव करना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के अंदर जो कोई व्यक्ति गोमूत्र का छिड़काव करता है, इस उपाय से घर में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, रोजाना संभव नहीं हो गोमूत्र का छिड़काव करना, तो आप क्या करें कि गोबर के कंडों को अग्नि से आपको उनको अंगारे बना लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा गूगल डालकर आपको उससे अपने घर में उस धुएं का वास करवाना है। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां और बुरी शक्तियां चली जाती है। दोस्तों, पूजा घर का झाड़ू पोछा हमेशा अलग ही रखना चाहिए। जिस घर में पूजा होती है और जिस पूजा घर में आपने जो चीजें रखी है वह अलग होनी चाहिए। वहां की साफ सफाई होती है, वहां मंदिर की साफ सफाई, आपको जो घर की साफ सफाई होती है उससे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह रखकर पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि घर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने ईश्वर की मूर्ति नहीं हो। आपको घर से बाहर निकलते समय घर के प्रवेश द्वार के ऊपर ईश्वर की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए, ताकि आपको भगवान के जाते समय भगवान के दर्शन हो और आपका कार्य शुभ हो, आपको आपके कार्य में फल की प्राप्ति हो। लेकिन घर के अंदर घुसते समय प्रवेश द्वार के ठीक सामने ईश्वर की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जिस घर या परिवार में एकाक्षी नारियल की पूजा की जाती है, उस घर में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है, इसलिए घर के मंदिर में एकाक्षी नारियल जरूर स्थापित करें। दोस्तों, अगर किसी को एकाक्षी नारियल की जानकारी नहीं है तो हम बता देते हैं। नारियल दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। जब आप जटा वाले नारियल को छीलते हैं तो उसके अंदर आंखें बनी होती है। इनकी संख्या 1 से लेकर 4 तक भी हो सकती है। एक आंख वाला नारियल बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और ऐसा नारियल आपके घर में माता लक्ष्मी को जल्द से जल्द आकर्षित करता है। घर के जिस भी भाग में मंदिर की स्थापना की जाए, ध्यान रखें कि सूर्य की रोशनी वहां पर पहुंचे। ऐसा हो तो किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। और घर में ऐसा होता है कि सुबह सुबह भगवान को सूर्य भी नमस्तक करता हो, इसलिए घर का मंदिर इस हिसाब से ही आपको बनवाना चाहिए, या अपने घर में धूप आने की व्यवस्था इस प्रकार से करनी चाहिए कि पहली धूप आपको आपके भगवान के मंदिर की तरफ पड़े। दोस्तों, घर के आंगन में या छत पर
आपको तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और रोज सुबह उसे जल चढ़ाने से, क्योंकि माता लक्ष्मी का ही रूप है तुलसी, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी कृपा मिलती है। साथ ही घर में धन धान्य की भी कमी नहीं रहती है। इसी साथ ही दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि रात को सोने से पहले घर के मंदिर का दरवाजा बंद करें या मंदिर को पर्दे से ढक दें। ऐसा करके आप भगवान के सोने का समय होता है और इसी के साथ ही घर में भी किसी ऐसी गतिविधियां होती है जिन पर भगवान की दृष्टि नहीं पड़े तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी यह दृष्टि आपको अच्छी लगी होगी, मेरा यह उपाय आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी जानकारी आपको सुलभ ही प्राप्त हो जाए। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।